तो फाइनली अब आप भी अपने एंड्रॉइड 14 में iOS 17 जैसी लॉक स्क्रीन को यूज कर सकते हैं और काफी सारे कस्टमाइजेशन अब आप एंड्रॉइड 14 के रोम में यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी रोम के बारे में बात करने हैं जिसके अंदर आपको काफी सारे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और काफी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज इस टाइम पे हम अपने पास जो है पोको F5 यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम एक एंड्रॉइड 14 का रोम यूज कर रहे हैं, कस्टम रोम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन सा रोम है। तो ये देखिए अबाउट फोन पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे लेआउट आपको देखने को मिलता है। ये है प्रोजेक्ट एलेक्सर रोम जिसके अंदर आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और कुछ इस तरीके का अबाउट फोन का पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 के सभी फीचर्स तो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं बट कस्टमाइज्ड आपको काफी सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लॉक स्क्रीन में जो है आपको डेप्थ इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है और iOS 17 जैसे ही लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, इवन आपको और भी काफी सारी लॉक स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इन लॉक स्क्रीन को आप इनके सेटिंग्स पेज पे जाके, इनके जो एसेंस का पेज है वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है थीम्स का, वहां पे आपको ये लॉक स्क्रीन क्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जहां पे आपको कस्टम क्लॉक्स मिलती हैं और आपको iOS 17 जैसी क्लॉक्स भी देखने को मिलती है। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ये दोनों ही जो सेटिंग्स हैं ये आपको फ्री वर्जन में देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, फ्री वर्जन को आप यूज कर सकते हैं, इनको इनेबल करने के लिए आपको थोड़ी सी वहां पे कुछ पेमेंट्स वहां पे करनी पड़ेंगी। वो पेमेंट्स जो है डेवलपर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको जो कस्टम रोम्स जो काफी सारे फोन्स के लिए क्रिएट करते हैं तो उनके लिए उनको सर्वर परचेज करना पड़ता है, तो और डिवाइसेस भी परचेज करने पड़ते हैं। तो ये दो फीचर आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट आपको वहां पे देना पड़ेगा अराउंड $7 के आसपास। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन की यहाँ पे काफी सारी जो है iOS 17 जैसी लॉक स्क्रीन से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी लॉक स्क्रीन आपको पसंद है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये आप ऑटोमेटिकली जो है आपके होम पेज और आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो चुकी होगी। तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे इफेक्ट आपको अब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे आपको कुछ और लॉक स्क्रीन भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि आपको कस्टम क्लॉक्स, इसके अंदर जो है डेप्थ इफेक्ट काम नहीं करेगा बट कुछ और लॉक स्क्रीन आपको और यहाँ पे देखने को मिलेंगी जिनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफी सारी थीम्स यहाँ मिल जाती हैं आपको, इसके अंदर नथिंग ओएस जैसे जो भी स्टाइल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपने सिर्फ उस पर टैप करना है और वो लॉक स्क्रीन अप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए उस लॉक स्क्रीन को हम अप्लाई कर चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे नथिंग ओएस जैसे जो है आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुछ इस तरीके विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे विजेट्स भी जो है आपको यहाँ पे इन लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलते हैं। जो भी आपको पसंद है उसको अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद जो है वो आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है वर्किंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है आपको फुल मोड पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन जो है गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अगर हम बात करें डिवाइस सर्टिफाइड की तो सेटिंग्स में चलते हैं और चेक कर लेते हैं, डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड यहाँ पे शो किया है। कैमरा आपको Xiaomi का यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जिसमें सभी के सभी जो है लेटेस्ट फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, सच्चाई से आपको कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलती है। कस्टमाइजेशन आपको और भी काफी सारा यहाँ पे मिल जाता है, सिर्फ लॉक स्क्रीन और जो कस्टम लॉक स्क्रीन है वही आपको जो है कुछ आपको एक की एक्सेस मिलेगा, उसके बाद ही आप इनको यूज कर पाएंगे। उस बाकी सारी चीजें जैसे कस्टम थीम्स, हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट्स वगैरह, इनको आप चेंज करना चाहें, आइकन पैक्स को चेंज करना चाहें, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और भी काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे लॉक स्क्रीन के अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं, स्टेटस बार में चेंजेस करना चाहें, क्यूक सेटिंग्स में चेंजेस करना चाहें, क्यूक सेटिंग्स में आपको हेडर भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमने ब्लू कलर का बैकग्राउंड जो है यहाँ पे यूज किया है, तो इन हेडर्स को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये काफी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, जेस्चर्स वगैरह और मिसलेनियस में आपको और भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे अनलॉक हायर FPS इन गेम्स, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। कोई भी ज्यादा आपको ब्लॉटवेयर वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, आपको इसके अंदर गूगल का ही डायलर मिलता है और एनिमेशन जो है काफी स्मूथ है, कोई भी सच्चाई अभी यहाँ पे जिटर या लैग एनिमेशंस में देखने को नहीं मिलता है। और कंट्रोल सेंटर आपको एंड्रॉइड 14 का ही देखने को मिला है। मटेरियल यूआई का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है जिसमें आप इसके कलर्स वगैरह को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, डार्क थीम को यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, थीम्ड आइकन्स को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल सेटिंग्स देखें तो आपको एंड्रॉइड 14 जैसी सेटिंग्स मिलती है जिसमें आपको कनेक्टेड डिवाइसेस ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे कुछ इस तरह के एनिमेशन आपको देखने मिलते हैं, डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सारी की सारी चीजें यहां पे वर्किंग है, आपको जो है 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, ये सभी के सभी जो है यहाँ पे आपको इनका सपोर्ट मिल जाता है, टैप टू वेक, पॉकेट मोड, ये सारी चीजें वर्किंग है। बैटरी में जाकर आप कस्टमाइजेशन करना चाहें वो आप यहाँ पे इजिली कर पाते हैं। नोटिफिकेशन भी आपको एंड्रॉइड 14 जैसा जिसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री, कन्वर्सेशंस वगैरह और ये सारे के सारे आपको फ्लैश नोटिफिकेशंस वगैरह ये सभी एंड्रॉइड
14 के फीचर्स जो हैं आपको इस रूम के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इस टाइम पे ये काफी सारे Xiaomi फोन्स, Realme फोन्स, OnePlus और Nothing फोन्स के लिए अवेलेबल है। मैं आपको इनकी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप इनको चेक कर सकते हैं। वहीं पे आपको इंस्टॉलेशन गाइड भी मिल जाएगी। मोस्टली आप इसको TWRP कस्टम रिकवरी से अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएं तो कुछ इस तरह का लुक आपको मिलता है। साउंड पैनल को भी आप उनकी कस्टमाइजेशन में जाके मैनेज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक परफेक्ट तरीके से वर्किंग है। और सिस्टम में अगर जाते हैं तो आपको लैंग्वेज, कीबोर्ड, जेस्चर्स, डेट टाइम, ये सारे के सारी चीज़ें मिलते हैं। कस्टमाइजेशन की बात करें तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाता है आपको इसके अंदर। अगर सारे कस्टमाइजेशन की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट जो मेन इसका हाईलाइटेड फीचर था वो इसका लॉक स्क्रीन का, क्योंकि अब इसके अंदर आपको iOS 17 जैसी लॉक स्क्रीन भी अब यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई ज़्यादा ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता है, वाइप ऑफ और एंड्रॉइड मिलता है। सबसे अच्छी बात जो है कैमरा आपको इसके अंदर Xiaomi का ही यहाँ पे डेवलपर्स ने प्रोवाइड किया है। अबाउट फोन में जाके आप इनकी सारी की सारी इन्फो को यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के सभी ऑप्शन जो है एंड्रॉइड 14 जैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो लिंक मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं, ये दोनों ऑप्शन जो हैं इसके लिए आपको इनकी एक की खरीदनी पड़ेगी, तभी ये दोनों ऑप्शन जो हैं विजिबल होंगे। अदरवाइज ये बाकी इसके नीचे के जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ पे विजिबल रहेंगे। आप काफ़ी लोग बोलेंगे ये पेड रोम है, ये पेड रोम नहीं है, फ्री रोम है। बस ये दो ऑप्शन आपको विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि डेवलपर जो है काफ़ी सारे फोन परचेज करते हैं, उसके लिए कुछ पैसा उनको चाहिए होता है और सर्वर्स भी उनको मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि वो रूम्स को बना सकें। तो उसके लिए ही वो कुछ थोड़े बहुत डोनेशंस यहाँ पे ले रहे हैं, तभी आपको ये सारे के सारे iOS 17 जैसे जो फीचर्स जो हैं आगे चल के आपको इस रूम में देखने को मिलेंगे, जब आप उनका सब्सक्रिप्शन को वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके के लेआउट के साथ आपको ये सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो बस आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि फाइनली जो है एंड्रॉइड 14 के अंदर भी जो है अब iOS 17 जैसी जो है आप लॉक स्क्रीन विद डेप्थ इफेक्ट अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।